जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम सब बात करने वाले हैं फैनकोड एमिरेट्स D10 लीग के बारे में। तो इस लीग का मैच नंबर 26 होने वाला है, जो कि शारजाह वर्सेस आजमान के बीच में खेला जाएगा आज रात 11 बजे। तो मैं इसी मैच की 5 टीम की कॉम्बिनेशन आपको इस कंप्लीट वीडियो में देने वाला हूँ, जिसके मदद से आप 100% विनिंग कर सकते हैं फैंटेसी ऐपों में, वो चाहे हेड टू हेड हो, SL हो या फिर GL हो। तो अगर जीतना चाहते हैं फैंटेसी ऐपों में, अपना लॉस कवर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में पूरे बने रहेंगे। और रेगुलर जीतना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आपको जो 5 टीम की कॉम्बिनेशन मिलने वाली है, उसमें से दोस्तों एक टीम आपको हेड टू हेड की मिलेगी, एक टीम आपको SL की और 3 टीम आपको GL की। GL इन सेंस दोस्तों ग्रैंड लीग, और SL इन सेंस मतलब स्मॉल लीग, जिसमें 3, 4, 5 वाले जो लीग होते हैं उसको मैं बोलता हूँ SL। और हेड टू हेड तो आप जानते ही होंगे। तो दोस्तों ये हेड टू हेड और SL वाली टीम भी आप GL में लगा पाएंगे, तो कुल आपको 5 टीम मिलने वाली है और धुआंधार टीम आपको मिलेगी, जिससे आप हेड टू हेड SL और GL इस मैच में जीतने वाले हैं। तो जीतना है तो आपको पूरे वीडियो में बने रहना होगा। बस आपको पूरी वीडियो देखनी है, अच्छे से टीम को देखना है, उसके बाद आपको टीम लगा लेना है जो भी फैंटेसी आप यूज करते होंगे, तो आप परफेक्ट विनिंग कर पाएंगे इस मैच में। तो चलता हूं आपको वीडियो के मेन कंटेंट पे ले जाता हूं, जो मेरी 5 टीम की कॉम्बिनेशन है। उसके साथ साथ दोस्तों आपको मैं कुछ प्लेयरों के बारे में बताऊंगा, कौन से की प्लेयर हैं, कौन से अच्छे हैं, किन को हेड टू हेड में, किन को SL में, किन को GL में, सारा कुछ आपको डिटेल में पता चल जाएगा। तो वीडियो अभी तक पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे, बस वही एक मोटिवेशन का केंद्र है मेरा दोस्तों। बस आप लाइक करते जाइए वीडियो को, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, शेयर करते जाइए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो चलता हूँ दोस्तों, अब आपको मैं 5 टीम की कॉम्बिनेशन जो मैं बना कर रखा हूँ वो आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। तो ये मेरी पहली टीम है जिसको मैंने हेड टू हेड के लिए डिज़ाइन किया है। तो मैंने बोला था कि की प्लेयर मैं बताऊंगा, तो की प्लेयर इस मैच में QM है, आपके यू अली हैं, डब्ल्यू अहमद हैं, आपके एच बिलाल हैं दोस्तों, अनवर हैं और यहाँ पे केसा, ये सारे आपके की प्लेयर इस मैच में होने वाले, एक ए खान को भी आप मान सकते हैं। तो ये सारे आपके इस मैच में की प्लेयर होने वाले हैं। और एक बात आप ध्यान में रखेंगे कि T10 में बड़े प्लेयरों को आपको कोई भी लीग में नहीं छोड़ना है, वही आपको मैच जिताते हैं, वही बॉलिंग करते हैं और वही बैटिंग करते हैं। तो ज़्यादा मौका सभी प्लेयरों को नहीं मिलता है, तो जो मेन प्लेयर होते हैं उन्हीं को सब चीज़ का मौका मिलता है, बैटिंग का और बॉलिंग का, तो वो विकेट भी ले जाते हैं और रन भी बना जाते हैं। तो इसलिए आपको मेन प्लेयर पर फोकस करना है, उन्हीं को कप्तान, उन्हीं को वाइस कप्तान और सारे लीगों में उनको रखना है। आप 2-3 प्लेयर ही चेंज करें हर टीम में, क्योंकि मेन प्लेयर तो चलने ही वाले हैं, वो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे कप्तान मैंने क्यू महमूद और वाइस कप्तान यू अली को, और इस टीम को आपको हेड टू हेड में लगा देनी है, और साथ ही साथ GL में भी इस टीम को लगा सकते हैं, जिससे आपको कुछ अच्छा रैंक आ सकता है। और इनमें से कोई प्लेयर इनकेस नहीं खेलते हैं तो मैं अपडेट आपको टेलीग्राम पर कर दूंगा। ये दूसरी टीम है दोस्तों, दूसरी टीम मैंने यहाँ पे प्रेफर किया है शारजहाँ को। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि वाइस कप्तान मैंने अनवर को और कप्तान मैंने यहाँ पे एस अहमद को बनाया है। अगर चेंज करना चाहेंगे तो आप वाइस कप्तान दाऊद को भी बना सकते हैं, या फिर सेम टीम से जा सकते हैं, या फिर के शाह को भी बना सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं होगी, बट आपको यही है कि मेन प्लेयर को छोड़ना नहीं है, उसको पकड़ के चलेंगे, एक दो प्लेयर चेंज ही करेंगे, आपको फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपके अपोनेंट वाले भी इन्हीं सभी को कप्तान बनाने वाले हैं, तो आपको मेन प्लेयर चुनना है, उन्हीं को कप्तान और वाइस कप्तान बनाना है, क्योंकि वही आपको मैच जिताएंगे। तो ये टीम आपको SL में लगा देनी है, जो कि 3-4-2 वाले जो लीग होते हैं वहां पे ये टीम काम कर जाएगी, और साथ ही साथ GL में। अब 3 टीम जो मैं और दूंगा वो परफेक्ट डेडिकेटेड है GL को, हालांकि थोड़ी सी रिस्की है, चल भी सकती है और नहीं भी चल सकती है, लेकिन दोस्तों चलने की संभावना तो है ही। अगर मेन प्लेयर थोड़ा कम चलेंगे इस मैच में, तो ये सारे प्लेयर्स चलेंगे और आपको इजीली विन करवा सकते हैं। तो इजीली विन करना है तो आपको थोड़ी सी रिस्क की टीम बनानी पड़ेगी। तो रिस्क की टीम आप इसलिए बनाएंगे क्योंकि दोस्तों अगर मेन प्लेयर इस मुकाबले में नहीं चलते हैं, तो आपको थोड़े साइड हीरो वाले, मतलब जो रेगुलर नहीं चलते, कभी कभी चलते हैं, तो वो आपको मैच जिता सकते हैं इस मैच में। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये थोड़ी सी दायरा आपको सोचकर टीम बनाना चाहिए, ताकि आपको फ़ायदा हर कंडीशन में हो जाए, क्योंकि मैच के कंडीशन तो 4-5 ही होता है
तरफा होता है, या फिर दोनों लड़ेंगे, या फिर विकेट्स ज़्यादा गिरेंगे, या फिर रन ज़्यादा बनेंगे, इन सबको सोच कर ही टीम बनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब चलते हैं चौथी टीम की तरफ। तो ये भी जीएल की टीम है, यहाँ पर मैंने वाइस कप्तान ए खान को और कप्तान WM1 को बनाया है। अगर चेंजेस करना चाहेंगे तो FM अहमद को भी आप बना सकते हैं, या फिर बॉलर को किन्हीं को ट्राई कर सकते हैं। तो ये टीम भी आपके लिए बेस्ट है, इस टीम से भी आप जीएल जीत सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों आखिरी टीम की तरफ। तो ये आखिरी टीम है जहाँ पर मैंने वाइस कप्तान फिर से क्यू महमूद और कप्तान मैंने S अहमद को बनाया। थोड़ी सी सेफ टीम है बट अच्छी टीम है, इससे भी आप जीएल जीत सकते हैं। तो पूरी कंप्लीट टीम होती है दोस्तों, यहाँ पर पाँचों के पाँचों टीम मैंने दिखा दिया। इन पाँचों टीमों में कोई अगर नहीं खेलते हैं तो मैं अपडेट आपको टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम ग्रुप पर कर दूंगा, तो वहाँ पर ज़रूर जुड़ जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे ग्रुपों का लिंक होगा। और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे ताकि वो भी जीते और आप भी जीते और मुझे भी वीडियो बनाने में मज़ा आए दोस्तों। मोटिवेशन का केंद्र सिर्फ आपका सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।